are Christians, but we don't practice religion. So okay. We don't know. कोलकाता में जितने भी चर्च है मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर इसी का है। ये दीदी अपना कुछ यहाँ पर आर्ट दिखा रही है, देख के आपको फील हो रहा होगा कि आपको कहीं मतलब इंडिया में नहीं है, लंदन जैसे कि। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर का सबसे बड़ा कैथेड्रल और मृत्यु की याद दिलाता है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, स्वागत करते हैं आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज है 29th of March और आज है गुड फ्राइडे और ये है वेस्ट बंगाल सीरीज का दूसरा दिन, दूसरा एपिसोड, जिसमें आज हम लोग एक चर्च को कवर करेंगे। इस चर्च को कवर करने का डिसीजन बस यही रहा क्योंकि आज गुड फ्राइडे भी है, तो गुड फ्राइडे के दिन सोचा कि एक चर्च भी दिखा दे, एक एरिया भी कवर हो जाएगा। और ये जो सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च आज हमने जो चुना है, इसका आर्किटेक्चर कोलकाता में जितने भी चर्च है मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर इसी का है, इसलिए इस चर्च को मैंने चुना है। तो अभी आपको चर्च के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ पर आप आ कैसे सकते हैं इसका भी डिटेल्स आपको पूरा दे देंगे। चर्च को दिखाने के साथ साथ गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी कुछ हिस्ट्री है, वो भी आपको जानकारी देंगे। ये जो चर्च है ये ठीक इंडियन प्लानिटेरियम के बिल्कुल पीछे है, अगर आप हम टर्न करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इंडियन प्लानिटेरियम है जिसको तारा मंडल भी कहा जाता है। तो इसके ठीक पीछे है सेंट पॉल चर्च और ये आपका एक्साइड मोड़ के बिल्कुल बगल में है, मैदान और एक्साइड मेट्रो के बीच में ये आता है। तो अभी चलते हैं अंदर, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और नज़ारा दिखाते दिखाते कुछ हिस्ट्री, कुछ कहानियाँ आपको परोसते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। तो इस चर्च तक आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप हावड़ा स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से बस सर्विसेज अवेलेबल है और मेट्रो से अगर आते हैं तो मेट्रो से भी आप आ सकते हैं। सेम सियालदा स्टेशन से आते हैं तो वहाँ से भी बस सर्विसेज और मेट्रो की सुविधा उपलब्ध है। वहीं अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो एयरपोर्ट से भी मेट्रो आप पकड़ सकते हैं या फिर कैब सर्विस या फिर बसेस वहाँ से भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं। ये जो स्टॉपीज है ये है इंडियन प्लानिटेरियम बोल सकते हैं या फिर तारामंडल बोलेंगे, स्टॉपीज आपका ये रहेगा या फिर थिएटर रोड क्रॉसिंग, वहाँ पर उतर के आप यहाँ आ सकते हैं। अगर मेट्रो से आते हैं तो सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन इसके लिए होगा मैदान, वहाँ आपको उतरना होगा, वहाँ से ये 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। तो चर्च की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको राइट साइड में एक छोटा सा बोर्ड दिखेगा जहाँ पर चर्च के बारे में कुछ हिस्ट्री बताया गया, तो आप ये पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो वीडियो को भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। चर्च का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, इस बीच में आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर। ये दीदी अपना कुछ यहाँ पर आर्ट दिखा रही है, अगर आप कभी भी ऐसे आर्टिस्ट देखें तो इनको कुछ ना कुछ जरूर दें। तो चर्च के मेन गेट से एंटर करते ही राइट साइड में आपको ये बोर्ड दिखेगा जिसमें चर्च के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। चलिए अंदर चलते हैं, चर्च को दिखाते हैं ये चर्च एक्चुअली में दिखता कैसा है। देख के आपको फील हो रहा होगा कि आपको कहीं मतलब इंडिया में नहीं है, लंदन जैसे किसी प्लेस में है, लेकिन ये इंडिया ही है सर और खास करके कोलकाता है। पहले जो था ये चर्च का एंट्री फ्री था, बट अभी ये यहाँ एंट्री फी लग गया है, 10 रुपये लगेंगे अगर आप आते हैं इस सुंदर से चर्च को देखने के लिए। तो टिकट काट के जैसे आप आगे बढ़ेंगे राइट साइड में ये आपको एक क्रॉस बना हुआ दिखेगा जिसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है, नीचे फाउंटेन वगैरह सब अच्छे से डिजाइन किया गया है, यहाँ पर भी कभी कभार प्रेयर्स होते हैं। और उसी के लेफ्ट साइड में यहाँ पर कैथेड्रल सोशल सर्विस या कैथेड्रल फ्रेंडशिप सेंटर भी है जहाँ पर जो भी लोग परेशान होते हैं उनको गाइडेंस दिया जाता है, उनको असिस्ट किया जाता है। और इसके बगल में कैथेड्रल रिलीफ सर्विस भी है जिसमें एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, और बगल में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ब्लू कलर की, इसमें जो है फादर्स लोग रहते हैं।
इस चर्च के ठीक पीछे ये बड़ा सा एक ग्राउंड है जिसमें क्रिश्चियंस लोग का मैरिजेस या फिर जो भी इवेंट्स होता है वो यहाँ पर वो सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक वाइल वॉक, चलते चलते इस खूबसूरत चर्च का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। सेंट पॉल द एपोस्टल को डेडिकेटेड 1847 में बनाया गया कैथेड्रल कोलकाता के प्रोविंस का मदर चर्च है। यहाँ आपको प्रचुर मात्रा में इतिहास मिलेगा, लेकिन इससे भी कहीं अधिक एक जीवित आस्था मिलेगी जो आज भी आम लोगों के जीवन को आकार दे रही है और बदल रही है। जो लोग आज भी यहाँ प्रेयर करते हैं उनके लिए इसमें अभी भी वह शक्ति मौजूद है। इस स्थान पर आकर आप धन्य हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर का सबसे बड़ा कैथेड्रल और एशिया का पहला एपिस्कोपल चर्च है। यह ब्रिटिशर्स द्वारा विदेशी क्षेत्र में बनाया गया पहला कैथेड्रल है। एक्चुअल में डेनियल विल्सन कोलकाता के पांचवें और पहले मेट्रोपॉलिटन के बिशप थे, जो कि 1832 में कोलकाता आए थे। अपने पूर्ववर्तियों मिडिल्टन, हेबर, जेम्स और टर्नर की तरह बिशप विल्सन ने शुरू में सेंट जॉन चर्च की अध्यक्षता की, जिसे 1787 में बनाया गया था। लेकिन उन्होंने शहर के लिए एक कैथेड्रल बनाने का सपना देखा था। यह बिशप विल्सन की विजन और विश्वास ही था जो आगे चलकर महान सेंट पॉल कैथेड्रल बना। आधारशिला 8 अक्टूबर 1839 को रखी गई थी। बिशप विल्सन ने स्वयं 1,00,000 रुपए का दान दिया था। उनके वसीयत में 1,00,000 रुपए का और इंतजाम करके रखे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अनुदान के साथ ईट दर ईट लगता गया और बिशप विल्सन का सपना 1847 में वास्तविकता बन गया, जो कि आज 177 ईयर्स से लोगों की सेवा में शान से खड़ा है। सेंट पॉल कैथेड्रल ने गॉड की सेवा की है और कोलकाता शहर की सेवा की है। लाखों लोगों ने इसकी वेदियों पर प्रार्थना की है, खुशी में या दुख में, आशा में या शोक में, और संतावना के साथ घर लौटे हैं। This is a Friday, special Friday. I believe when Jesus died. Yes, what language you are speaking? French. Oh, French. Okay. No, it's because we are Christians, but we don't practice religion, so okay. We don't know really how to do it. We have learned long time ago, but now we you don't practice Christianity. Or no, sorry. I can understand. But it's very important this Friday. Okay. Yes, before Easter. So places you have explored till now. In India? India, yes. India. First city, Amritsar. Amritsar, Punjab. Yes. Okay. Rishikesh. Oh, nice place. Very nice place. Haridwar. Yes. Delhi. Okay. Delhi. I was in Delhi last week. Oh, okay. Varanasi. Okay. And last one. So you have covered most of the important places in India. Yes. Yes. So who guided you to explore these places? Where from you got to know about these places? On the internet. Okay. In some books. Okay, so I have to find someone who can explain about maybe Good Friday. Okay, thank you. Sorry. Nice to meet you, no problem. Nice thank you. इसके अंदर द ग्रेट ईस्ट विंडो आपको दिखेगा, जो कि ओरिजिनली डीन एंड चैप्टर ऑफ सेंट जॉर्ज चैपल के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। यह 1864 में एक साइक्लोन के द्वारा नष्ट हो गया था। अभी की जो प्रेजेंट विंडो हम लोग देखते हैं, ये 1868 में लंदन से लाया गया था। यह गॉड के जीवन के प्रमुख घटनाओं के दृश्य को दर्शाता है। चर्च के अंदर बिशप हेवर की मूर्ति है, जो प्रार्थना में घुटने टेकते हुए देख सकते हैं, जो कि कोलकाता के दूसरे बिशप थे। यह सर फ्रांसिस चैंट्रे की मास्टरपीस है। 1835 में निर्मित सेंट जॉन चर्च को भेजा गया और बिशप विल्सन द्वारा कैथेड्रल में रखा गया। चर्च में आप जैसे ही इंटर करेंगे, आपको लेफ्ट साइड में नॉर्थ चैपल, जिसको मेमोरियल चैपल के नाम से भी जाना जाता है, वो दिखता है। इसे युद्ध विराम दिवस 1927 को समर्पित किया गया था। यह वेदी कोलकाता निगम के अध्यक्ष सर चार्ल्स एलन की मेमोरी में है। 1928 में मैरी टर्ल्टन की स्मृति में एक नकाशीदार लकड़ी की स्क्रीन बनाई गई थी।
1954 में प्रारंभिक चर्च के डॉक्टरों और धर्मशास्त्रियों की 8 आकृतियां पुराने बिशप के सिंहासन से हटा दी गई और स्क्रीन पर रख दी गई। हेलमेट और लकड़ी का क्रॉस 1971 में जोड़ा गया था। हेलमेट एक भारतीय सैनिक का है जो कुश्तिया बांग्लादेश में मारा गया था और क्रॉस बांग्लादेश में एक जले हुए घर की जली हुई लकड़ी से बनाया गया था। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि गुड फ्राइडे आखिर मनाया क्यों जाता है। कहा जाता है कि गुड फ्राइडे यीशु की सूली पर चढ़ने और मृत्यु की याद दिलाता है। ये फास्टिंग और तपस्या का यह गंभीर दिन ईसाइयों को इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि यीशु ने मानवता को बचाने के लिए अपना जीवन तक त्याग दिया। ईस्टर बाइबल के एक कहानी से आता है। यह बताता है कि कैसे यीशु को रोमनों ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह ईश्वर के पुत्र थे। उन्होंने उसे क्रॉस पर चढ़ाकर मार डालने का निश्चय किया। 3 दिन बाद वह जीवित हो गए, इसलिए ईस्टर संडे मनाया जाता है। तो आज है 31 मार्च, आज है ईस्टर संडे। फिर से चर्च आ गए हैं, यहाँ से कुछ रैली निकलने वाला है तो उसका कुछ प्रिपरेशन हो रहा है। वेट करते हैं रैली कब तक निकलता है, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे उसको। व्हाट इज सेड? तो आज है संडे, संडे ईस्टर। यहाँ चर्च के पास आए हुए थे, बोला गया था कि 2:30 में एक रैली होगा जो कि नहीं हो रहा है। काफ़ी देर से लोग खड़े हैं यहाँ पर, लोग आ रहे हैं, घूम के चले जा रहे हैं, पर अथॉरिटी को कोई परवाह नहीं है। वो लोग गेट बंद करके रखे हुए हैं और कोई टाइम भी नहीं बता रहे कब होगा क्या नहीं होगा। तो फाइनली अब 4 बजने को है, 1.5 घंटा वेट कर चुके हैं, अब यहाँ से घर जा रहे हैं। लकली वहाँ से निकलते समय, घर जाते समय पता चला कि एक दूसरे चर्च से रैली निकल रहा है, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ का अगर मिस हो गया, वहाँ से अगर नहीं हो रहा है तो उस दूसरे चर्च में जाकर रैली को ज्वाइन करते हैं और दिखाते हैं रैली में कैसे क्या होता है। ये रैली धर्मतल्ला के एक चर्च से निकल रहा है और ये मौलाली की तरफ एक एरिया है कोलकाता में, वहाँ तक जाएगा, वहाँ कोई चर्च है, वहाँ जाके ये रैली ख़त्म होगा। तो फिलहाल यहीं से हम रैली को टाटा बाय बाय करते हैं। हैप्पी ईस्टर सभी को। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से घर निकलते हैं और यहाँ का एपिसोड यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार बिल्कुल बनाए रखिएगा, जबरदस्त होने वाला है।